राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों का चयन विपक्षियों को भी प्रभावित कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता खुद उनके प्रत्याशियों की सराहना कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ही कह रहे हैं आपने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, आधा चुनाव तो आप जीत गए हैं। मदन राठौड़ ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बार चुनाव को लेकर विशेष उत्साह है। उनका कहना है कि सही उम्मीदवारों के चयन से कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया है। बीजेपी ने उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है और इसके लिए संगठन पूरी ताकत से जुटा है। अब कोई कहे फिक्सिंग हो गया, कोई कहे कि इन्होंने मतलब पहले से ही कोई सूचनाएं दे दी उनको, अब वो अपना देखे। बाकी हम तो जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे। जनता जिसको पसंद करती है उस क्षेत्र में, जिसने सेवाएं की है या जिस पर जनता विश्वास करती है, तो हमने ऐसे लोग उतारे हैं। अब किसी के मन में यदि भय है तो उसका तो जवाब मैं क्या दूं। कोई मन में डर के मारे और मैच फिक्सिंग बोले, तो फिक्सिंग मैच तब होता है जब उसका प्रतिनिधि भी शामिल हो, ये तो उनको देखना है। जयपुर में आयोजित संगठन पर्व कार्यशाला के दौरान राठौड़ ने बीजेपी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि बीजेपी में वंशानुगत नेतृत्व नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, जिसमें कार्यकर्ताओं का समर्थन प्रमुख भूमिका निभाता है। राठौड़ ने संगठन पर्व की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा कि सबसे पहले बूथ स्तर पर चुनाव होंगे, फिर मंडल स्तर पर समितियों का गठन होगा। इन समितियों के माध्यम से जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा, जो अंततः प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव करेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी में किसी को नहीं पता होता कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। यह निर्णय पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरता है। एक बात मैं आपसे बताऊं, आप बगावत शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ बगावत हुई नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, देखिए चुनाव चुनाव है और कई हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं कि भाई हमको टिकट मिलेगा, और नहीं मिला तो थोड़ा बहुत निराशा हो सकती है, लेकिन तुरंत उसको देश के नेतृत्व का ध्यान देता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनको मजबूत करना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मजबूत करना है, तो वो तुरंत साथ जुड़ता है, काम करता है। तो इसको बगावत कैसे कहेंगे? बगावत तो वो होती है कि वो सामने खड़ा हो जाए और तब जाकर के बगावत शब्द प्रयोग किया जाए। जो मन में अपेक्षाएं होती है सबके होती है, महत्वाकांक्षाएं सब में होती है, और जब किसी एक को मिल जाता है और दूसरा उसका सहयोग करता है तो इसको बगावत नहीं कहेंगे। इसको हमारे संगठन की और एक मजबूत मतलब आधार उसको कहेंगे, क्योंकि संगठन हमारा मजबूत है, दृढ़ है और अनुशासन है। बगावत तो वहां है जहाँ लोग खुल के बोलते हैं, बगावत वहाँ है जो विद्रोही के रूप में खड़ा है, वहाँ बगावत कहें, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं।